हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल देरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस अपलोड कर दी है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे, एंड हमने बताया था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक कि रिलेशन क्या है बिटवीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज़ फॉर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब आज की क्लास अगर देखी जाए तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की लास्ट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास से हम एमसीक्यू सेशन अपलोड करने वाले हैं। इस बार जो हम एमसीक्यू सेशन अपलोड करेंगे रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसमें थ्योरी की क्लास अलग होगी एंड न्यूमेरिकल की क्लास अलग होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल से जुड़ जाना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। अब ये सारे टॉपिक्स, चाहे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की बात करो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात करो, आगे हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी सब डिस्कस करेंगे, और ये सारे टॉपिक आप देखोगे ना तो किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज कवर करते हैं। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और ये डिस्कशन ओवर होते ही हम नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको कोई भी क्लास दोबारा से करनी हो या कोई भी क्लास आपकी मिस हुई हो तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के नाम से, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के नाम से, एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से, तो वहाँ आपको रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम प्रॉपर्टीज़ पे तो आपने क्लासेस अपलोड की हैं, रेंज की अलग, मीन डेविएशन के अलग, क्वार्टाइल डेविएशन के अलग, एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग। हाँ, हमने डिस्कस की थी, बट वहाँ पे ना बेसिकली आप देखोगे कि हमने वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी जो कॉमन नहीं थी, और जो कॉमन थी भी वो हमने बताया था कि हमने अलग अलग पॉइंट्स में क्यों मेंशन किया है, सो दैट हम सब पे अलग अलग न्यूमेरिकल करा सकें। आप कॉमन प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कॉमन देख ली थी, जहाँ सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर सारी वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट हैं तो रेंज, मीन डिवेशन, क्वार्टाइल डिवेशन और स्टैंडर्ड डिवेशन की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो आएगी। बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू जीरो आएगी। दूसरा, हमने बताया था कि कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन ओरिजिन अफेक्ट नहीं होता, बट स्केल्स अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइंस अफेक्ट नहीं होता। तो नो डाउट ये दोनों कॉमन प्रॉपर्टीज थी, बट आपने देखा होगा कि हम सबके साथ एक एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे, इसीलिए हमने उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ मेंशन किया है। बट यहाँ जो हमने प्रॉपर्टीज ली हैं, बेसिकली ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ ही साथ बिल्कुल कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अलग से इसको डिस्कस किया है। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज आर इंक्रीज्ड बाय ए, देन द न्यू रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो, यही सेम प्रॉपर्टी हमने मीन में भी बताई थी, और हमने बताया था कि अगर किसी एक कांस्टेंट से आप सारे ऑब्जर्वेशन ऐड करो तो मीन भी उसी ऑब्जर्वेशन से ऐड हो जाएगा, अगर आप एक कांस्टेंट वैल्यू से सारे ऑब्जर्वेशन को लेस करो तो मीन भी उसी से लेस हो जाएगा, अगर आप एक कॉमन वैल्यू से सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो आपका नया मीन भी ए को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी, एंड अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को ए से, दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करते हो तो मीन को भी आप ए से डिवाइड कर देना, आपका न्यू मीन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने कब बताई थी, जब हमने मीन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टाइम। बट आज हम लोग का डिस्कशन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे नहीं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे है, और इसमें देखो हमने लिखा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को सीरीज में हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उस केस में जो मेरा न्यू रेंज आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आएगा, मीन डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, वो क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड। मतलब जो मेरे पास ओल्ड वैल्यू रही होगी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की, वही न्यू वैल्यू भी होगी। क्लियर? अब क्योंकि ये चारों कहाँ आ रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हो तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो ओल्ड वैल्यू आई थी वही न्यू वैल्यू आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब देखो, इसी एग्जाम्पल से हम ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें रेंज की। अगर इस सीरीज पे हम रेंज की बात करें तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होगा, दैट इज़ टू, तो ये मेरे पास ओल्ड रेंज आ गया। अब लेट्स से हम हर एक वैल्यू को वन से इंक्रीज कर रहे हैं, तो टू में ऐड करेंगे वन, थ्री, फोर, फाइव, यही होगा। फाइनली अब हम इसका रेंज अगर निकालें, हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन को वन से, दैट इज़ ए कॉन्स्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर दिया, तो एज पर प्रॉपर्टी हमारा न्यू रेंज कितना होगा, एज पर प्रॉपर्टी भी हमारा न्यू रेंज टू होगा, क्योंकि लिखा है कि
जो न्यू वैल्यू आएगी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की वो अनचेंज्ड होगी। बट हम कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं कि अगर हमें सीरीज से रेंज कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 - 3 दैट इज 2। देख लो जो ओल्ड रेंज आया था वही न्यू रेंज भी आया है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है और आप एग्जाम में देख रहे हो कि सारे ऑब्जर्वेशन को एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू से ऐड किया है, तो आप क्या करना कि जो ओल्ड वैल्यू दी है वही न्यू वैल्यू टिक करके चले आना। क्लियर? आपको वहां पे ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्वार्टाइल डेविएशन से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब सिंपली क्या था, Q3 - Q1 / 2। बट ऑब्वियस यहाँ पे तीन ही वैल्यू है तो ये Q1 होगी, ये Q2 होगा और ये Q3 होगी, तो 4 - 2 / 2। और हम कह सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये कौन सा क्वार्टाइल डेविएशन है, ओल्ड। अब इस सीरीज़ में अगर हम पूरी सीरीज को, पूरे ऑब्जर्वेशन को 1 से ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3, 4, 5। और मेरे पास न्यू क्वार्टाइल डेविएशन कितना आएगा, 5 - 3 दैट इज Q2 - Q3 / 2। और हम कह सकते हैं 2 / 2 दैट इज 1। ये बिना कैलकुलेट किए भी हम न्यू क्वार्टाइल डेविएशन कितना टिक करके आते हैं, 1, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है एंड एक सीरीज दी है और उस पूरे सीरीज के ऑब्जर्वेशन को हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से ऐड करते हैं तो जो ओल्ड वैल्यू होगा वही न्यू वैल्यू होगा। क्लियर? वही चीज़ देखो हमने कैलकुलेट करके भी बता दी। अब इसी सेम क्वेश्चन पे हम मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं, जो कि होता है समेशन मोड डी डिवाइडेड बाय एन। एक्स कितना दिया है, 2, 3, 4। और डेविएशन हम बेसिकली निकाल लेते हैं मीन से, मीन इसमें कितना आएगा, 3, तो -1, 0, 1। मोड डी कर दें, ये आएगा 1, 0, 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2। यह हो जाएगा 2 / 3, तो मीन डेविएशन कितना आ रहा है, 2 / 3। अब लेट्स से अगर हम इस पूरे ऑब्जर्वेशन को, इस पूरी सीरीज को 1 से ऐड ऑन कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 3, 4, 5। और डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज का मीन डेविएशन भी कितना होगा, 2/3। बट स्टिल हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि मेरे पास एक्स दिया है 3, 4, 5। अगेन अगर मान लेते हैं ये मीन है तो एक्स माइनस मीन कितना हो जाएगा, -1, 0, 1। अब डेविएशन का मॉड निकाल लो, 1, 0, 1। अगेन वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो मीन डेविएशन कितना हो जाएगा, 2 / 3। क्लियर? तो आप चाहे तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन करके देखो, चाहे आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दो। अब एग्जाम में अगर MCQs की बात करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके चेक करें, तो सिंपली अगर हमें प्रॉपर्टीज़ लर्न है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन वहाँ कर देंगे। लास्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे वो है समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एक्स कितना दिया है, 2, 3, 4। डी कितना आ जाएगा, सिंपली डी मतलब एक्स माइनस मीन, मीन कितना है, 3 - 1, 0, 1। डी स्क्वायर 1, 0, 1, तो ये आ गया 2। इसकी वैल्यू आ रही है √2/3, जो कि सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.8165। क्लियर? अब लेट्स से अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को 1 से बढ़ा दें तो नो डाउट एज पर प्रॉपर्टी मेरा आंसर कितना आएगा कि ये अगर ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है इस सीरीज का और हर एक वैल्यू को हम 1 से बढ़ाएं तो मेरा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना आना चाहिए, 0.8165। क्लियर? हम इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। अब लेट्स से मेरी जो एक्स की वैल्यू है सब अगर 1 से बढ़ गया तो ये हो जाएगा 3, 4, 5। अगेन हम डेविएशन निकालेंगे, दैट इज एक्स माइनस मीन, और मीन कितना है, 4 - 1, 0, 1। डी स्क्वायर चाहिए, 1, 0, 1। अगेन देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। और इसको सॉल्व करके वैल्यू अगेन मेरे पास आएगी 0.8165। तो देख लो अगर हमने ओल्ड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, दैट इज ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 0.8165 था, और हर एक ऑब्जर्वेशन को 1 से बढ़ा दिया तो भी तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्स्टेंट है। क्लियर? तो होपफुली ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। इस प्रॉपर्टी में इतना सा ही पॉइंट था कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को सीरीज में हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से ऐड कर दें तो जो हमारा ओल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का वैल्यू आया है वही हमारा न्यू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का वैल्यू भी आएगा। क्लियर? और ये सिचुएशन तभी होगी जब आप एक पर्टिकुलर सीरीज के सारे ऑब्जर्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ा रहे हो, दैट इज इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट थी, जहां हमने इंक्रीज देखा। अब हम डिक्रीज देखेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, देन डिविजन देखेंगे। अब देखो लिखा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को सीरीज में हम डिक्रीज कर दें कांस्टेंट वैल्यू से
तो भी हमारे पास जो न्यू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर? जैसा इंक्रीज में था वैसा ही डिक्रीज में है, कि अगर मेरे पास ओल्ड सीरीज है और उसको हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से बढ़ा करके न्यू सीरीज निकाल लिया, या हर एक ऑब्जर्वेशन को लेस करके ए से न्यू सीरीज निकाल लिया, तो जो ओल्ड सीरीज में मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू थी वही न्यू सीरीज में भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू होगी। क्लियर? इसको भी अब हम एग्जांपल से बताते हैं। लेट्स से अब इसका रेंज कितना आया था, 4 - 2, 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओल्ड सीरीज का ओल्ड रेंज। अब हर एक वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं 1 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3। अगेन इसका रेंज निकालोगे तो कितना होगा, 3 - 1, दैट इज 2। तो ये बिना कैलकुलेट के भी हम बता सकते थे कि जो ओल्ड रेंज होगा वही न्यू रेंज होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज किया है। क्लियर? सेम पैटर्न पे क्वार्टाइल डेविएशन देख लो, 4 - 2 / 2, दैट इज 1। अब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम माइनस कर दें 1 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3। तो इसका क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा, 3 - 1 / 2 और 1। तो वही क्वार्टाइल डेविएशन आया, जो ओल्ड क्वार्टाइल डेविएशन था वही न्यू क्वार्टाइल डेविएशन है। तो ये बिना कैलकुलेट के भी हम प्रॉपर्टी बता सकते थे। नाउ मीन डेविएशन में देख लेते हैं। मीन डेविएशन में एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, 3, 4। डेविएशन कितना हो जाएगा, मीन से माइनस करेंगे, -1, 0, 1, और डेविएशन का मॉड निकाल लेंगे, 1, 0, 1। तो वैल्यू आएगी 2। ये आ जाएगा 2 / 3। क्लियर? अब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 1 से माइनस कर दें तो वैल्यू आ गई 1, 2, 3। अब अगेन अगर हम इसका डेविएशन निकालें तो डेविएशन 2 से निकलेगा, -1, 0, 1, और अगेन मॉड डी कितना आ जाएगा, 1, 0, 1, दैट इज 2। तो अब भी मेरा मीन डेविएशन कितना हो गया, 2/3। अच्छा, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, क्योंकि हमने सब पे इंडिविजुअली डिस्कशन किया है। सबकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो कैलकुलेशन में, तो पहले वो क्लासेस आप कवर कर लेना, जहाँ हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझाया है, फिर आप ये क्लास करना, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बेसिकली हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे इंडिविजुअली डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सिंपली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स माइनस मीन, दैट इज -1, 0, 1, और इसका डी स्क्वायर चाहिए, 1, 0, 1, दैट इज 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। अगेन वैल्यू कितनी आएगी, 0.8165। क्लियर? अब हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम 1 से माइनस कर दें तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1, 2, 3। अब अगेन मेरे पास अगर x 1, 2, 3 है और हम इसका डेविएशन निकालें x माइनस मीन करके, दैट इज 1 - 2 - 1, 0, 1, और d का स्क्वायर निकालें तो 1, 0, 1, दैट इज 2 ही आ जाएगा। अगेन मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, √2/3। ये ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम आया। क्लियर? तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पूरी की पूरी सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज किया है, तो उस केस में जो ओल्ड सीरीज का आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकाला होगा वही न्यू सीरीज का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का वैल्यू होगा। क्लियर? अगर ओल्ड सीरीज से रेंज निकाला है तो वही रेंज न्यू सीरीज में होगा। सेम फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, सेम फॉर मीन डेविएशन, सेम फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, कि ओल्ड सीरीज में जो वैल्यू आई है वही न्यू सीरीज में भी वैल्यू आएगी। क्योंकि एग्जाम में देखो टाइम कम होता है, तो एग्जाम में आपको ये सॉल्व करके नहीं देखना है, डायरेक्टली अगर आपके पास आंसर गिवन है तो आप उसको टिक करके चले आओगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी क्लियरली, कि अगर एक सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऐड या लेस कर दिया जाए तो जो हमारे पास ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू है वही हमारी न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू भी होगी। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ लिखा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को सीरीज में हम मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो न्यू रेंज, न्यू क्वार्टाइल डेविएशन, न्यू मीन डेविएशन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से। अब देखो ये सेम प्रॉपर्टी है जो हमने मीन में बताई थी, कि अगर हमारे पास ओल्ड मीन है और हम हर एक ऑब्जर्वेशन को
मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो हमारा ओल्ड मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, और यही वैल्यू मेरी न्यू मीन की भी आ जाएगी। देख लो यहाँ पे भी यही सेम प्रॉपर्टी है कि अगर सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने ए से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यू रेंज या न्यू क्वार्टाइल डिविएशन या न्यू मीन डिविएशन या न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का सिंपल तरीका ये होगा कि जो हमारे पास ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू दी है, अगर हम उसको उतने ही कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। क्लियर? देख लो हमने सबके लिए सेम एग्जाम्पल लिया है सो दैट हम सारे पॉइंट्स क्लियरली आपको समझा पाए। इफ़ इन केस मान लो ये मेरे पास ओल्ड सीरीज है, तो मेरे पास ओल्ड रेंज कितना आ जाएगा, 4-2 दैट इज़ 2। अब अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8। तो एज पर प्रॉपर्टी अगर हमें न्यू रेंज निकालना है इस सीरीज का, तो मेरे पास सिंपल सी प्रॉपर्टी कि ओल्ड रेंज को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चेक करते हैं 2 × 2 वैल्यू कितनी आ रही है, 4। क्लियर? अब हम इसी सीरीज को आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं कि अगर हम इस सीरीज से डायरेक्टली रेंज निकालते तो मेरी वैल्यू कितनी आती, 4 आती। देख लो वही वैल्यू आई जो हमने न्यू रेंज की वैल्यू एज पर प्रॉपर्टी निकाली है, वही एज पर फॉर्मूला भी आई है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी पे आपको लर्न रहेगी कि अगर आपने सीरीज के हर एक ऑब्जर्वेशन को एक सिंगल नंबर से, सिंगल कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो जो ओल्ड रेंज है उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देना उसी सेम कांस्टेंट वैल्यू से, तो आपका न्यू रेंज आ जाएगा। क्लियर? अब देखो एग्जाम में आप बोलोगे कि मैम हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड यहाँ पे तो हमने बहुत सिंपल सी वैल्यू ली है ना, सिंपल सा हमने सीरीज लिया है। अब एग्जाम में कोई भी सीरीज आ सकती है, तो वहाँ उतना टाइम वेस्ट करने से बेटर होगा आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करो। अगेन क्वार्टाइल डेविएशन देख लेते हैं कि इस ओल्ड सीरीज का क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा, Q3 - Q2 / 2 = 1। अब लेट्स से हर एक वैल्यू को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो अगेन ये हो जाएगा 4, 6, 8। इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, Q3 - Q1 / 2, और हम कह सकते हैं 2। क्लियर? या अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करते तो ये मेरा ओल्ड क्वार्टाइल डेविएशन है। न्यू क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता, ओल्ड क्वार्टाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 2। ओल्ड क्वार्टाइल डेविएशन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करते तब भी मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, 2, जो कि सॉल्व करके आई, मतलब जो एज पर फॉर्मूला आई वही एज पर प्रॉपर्टी भी आई। क्लियर? अब सेम क्वेश्चन पे हम मीन डेविएशन भी करके दिखाते हैं। इस सीरीज से अगर हम मीन डेविएशन निकालेंगे तो देखो अगर हम इससे मीन डेविएशन निकालें तो सिंपली मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, 2, 3, 4। डेविएशन सीधे सीधे मीन से डिफरेंस निकालेंगे तो -1, 0, 1, और हमें डी का टोटल नहीं चाहिए, हमें मॉड डी का टोटल चाहिए, तो 1, 0, 1 दैट इज़ ये हो जाएगा 2। तो मेरा मीन डेविएशन का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम 2/3 डिवाइड करें तो सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी 0.6667। क्लियर? अब लेट्स से हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वैल्यू हो जाएगी 4, 6, 8। अगेन अगर x दिया है 4, 6, 8 तो ये मीन है, डेविएशन निकाल सकते हैं -2, 0, 2, मॉड डी निकाल सकते हैं 2, 0, 2 दैट इज़ 4, और इससे हम न्यू मीन डेविएशन भी निकाल सकते हैं 4/3, जो कि कितना आएगा, 1.3333। क्लियर? तो ये मेरे पास ओल्ड मीन डेविएशन है, ये मेरे पास न्यू मीन डेविएशन है। बट अगर हम न्यू मीन डेविएशन के लिए इतना प्रोसेस ना अप्लाई करना चाहें तो सिंपली हम क्या कर सकते थे बेटा, कि जो मेरे पास ओल्ड मीन डेविएशन है उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 0.6667 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.3333। वही वैल्यू आएगी जो हमने इतना लेंदी प्रोसेस अप्लाई करके कैलकुलेट किया है, वही हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर? एंड लास्ट इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने फॉर्मूला बताया है, सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, summation d² / n का। तो हमारे पास x कितना है, 2, 3, 4, डेविएशन कितना निकलेगा, -1, 0, 1, हमें d स्क्वायर चाहिए, 1, 0, 1 दैट इज़ 2। तो ये हो जाएगा √2/3, और इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ रही, 0.8165। अब सिंपली अगर हम इस पे अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास न्यू ऑब्जर्वेशन कितना है, 4, 6, 8। अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6330। क्लियर?
अब अगर आप प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन से डायरेक्टली आंसर निकालते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम इस सीरीज का भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल करके आपको बता देते हैं। सीरीज मेरे पास कितनी आई थी, 4, 6, 8। अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो तो सबसे पहले x कितना है, 4, 6, 8, डेविएशन कितना निकलेगा, -2, 0, 2, एंड डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 0, 4, दैट इज डी स्क्वायर आया 8। ये हो जाएगा √8/3, और √8/3 को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी देख लो उतनी आ रही है 1.6330, और यही हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कैलकुलेट किया था। क्लियर? तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का जो क्रक्स है वो ये है कि अगर आप एक सीरीज से ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हो, क्लियर, अब आप इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर देते हो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से, तो उस केस में जो आप न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालोगे वो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन मल्टीप्लाई बाय दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू। आपको अलग से न्यू सीरीज निकाल करके उसका न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन को उसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आपका न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। क्लियर? अब ये आज की लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसे हमने मल्टीप्लाई बताया था। इसमें बोला है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को सीरीज के आप ए से डिवाइड कर दो तो जो न्यू रेंज क्वार्टाइल डिविएशन मीन डिविएशन आएगा उसको भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली जो ओल्ड आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन था उसको उसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपके पास न्यू रेंज, न्यू क्वार्टाइल डिविएशन, न्यू मीन डिविएशन एंड न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अब जैसे देखो अगर हम इस सीरीज से रेंज निकालते तो रेंज कितना होगा, 4 - 2, दैट इज 2। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आ गई 1, 1.5, 2। बिना इससे हम न्यू रेंज कैलकुलेट किए ओल्ड रेंज की हेल्प से न्यू रेंज निकाल सकते हैं एज पर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि जो ओल्ड रेंज है उसको आप डिवाइड कर दो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू से तो आपका न्यू रेंज आ जाएगा। क्लियर? और अगेन हम इस सीरीज से भी सॉल्व करके दिखा दें, 2 - 1 कितना आएगा, 1, वही वैल्यू आई है जो आपने फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया है। क्लियर? क्वार्टाइल डेविएशन देख लेते हैं, 4 - 2/2, दैट इज Q3 - Q1/2, तो वैल्यू कितनी आई, 1। अब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आप डिवाइड करते हो 2 से तो वैल्यू आएगी 1, 1.5 एंड 2। इसका डायरेक्टली क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, 2 - 1/2, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, दैट इज 0.5। तो ये तो फॉर्मूले से चेक किया, अब चलो प्रॉपर्टी की हेल्प से चेक करते हैं। प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हमें न्यू क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय इस कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन को से हम डिवाइड करेंगे, तब भी तो वैल्यू 0.5 आ रही है, तो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मीन डेविएशन देख लेते हैं, मीन डेविएशन हमने निकाला था कितना आया था सीरीज का, 2/3। अब लेस से हर एक वैल्यू को आपने 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 1, 1.5 एंड 2। इसका मीन डेविएशन निकालो, 1, 1.5, 2, डेविएशन कितना होगा, 1.5, तो -0.5, 0.5, मॉड डी चाहिए हमें 0.5, 0.5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब अगर हम इससे मीन डेविएशन निकालें तो वैल्यू कितनी है, 1/3। क्लियर? और हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 को, 0.3333। बट अगर हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो ओल्ड मीन डेविएशन की हेल्प से हम न्यू मीन डेविएशन निकाल सकते थे कि ओल्ड मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय इसी कांस्टेंट वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 कट गया, 1/3 बचा। अब 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अगेन कितनी आएगी, 0.3333। देख लो जो वैल्यू फॉर्मूले से आई वही वैल्यू प्रॉपर्टी से भी आएगी। क्लियर? तो हम यहाँ दोनों मेथड इसलिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं सो दैट आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि जो प्रॉपर्टी के थ्रू आंसर आ रहा है वही फॉर्मूले के थ्रू आएगा और एग्जाम में फॉर्मूला ना अप्लाई करके प्रॉपर्टी अप्लाई करना। क्लियर? और लास्ट हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 0.8165, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करवाया है। अगर हर एक वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करें तो मेरा x आएगा 1, 1.5 एंड 2। सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे, दैट इज़ मीन से डिफरेंस निकालेंगे तो 0.5 आएगा, डेविएशन का स्क्वायर 0.25, तो डेविएशन के स्क्वायर का टोटल कितना हो जाएगा, 0.50। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, √0.50/3, ये वैल्यू मेरी आ रही है 0.4082। क्लियर?
बट क्या हम ये मेथड, इतना लेंदी मेथड अप्लाई करेंगे? नहीं, हम तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। कैसे? ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करके उसी कांस्टेंट वैल्यू से, जिस कांस्टेंट वैल्यू से आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया है, तो मेरे पास फिर भी वैल्यू कितनी आएगी? 0.40825। अब देख लो, एग्जाम में आप इतना लेंदी प्रोसेस अप्लाई करना चाहोगे या डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना चाहोगे? क्योंकि सिंपली जब प्रॉपर्टी से भी सेम ही आंसर आ रहा है तो हम इतना लेंदी प्रोसेस कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये मेरी लास्ट प्रॉपर्टी थी आज की, जहां हमने बताया कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को सीरीज में हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करें तो आपको न्यू सीरीज का न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले पे बेस्ड होकर के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करना कि जो ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ जाएगा। क्लियर? ये चार प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट थी, जिसको अभी हम दोबारा से रिवाइज करा दे रहे हैं कि अगर लेट्स से मेरे पास एक सीरीज है जिसको हम यहाँ पे ओल्ड सीरीज कह रहे हैं, अब इस ओल्ड सीरीज से हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट किया, कुछ भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट किया, ठीक। अब इस ओल्ड सीरीज को अगर हम ऐड कर देते हैं ए से या लेस कर देते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड या लेस कर देते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू ए से, तो उस केस में जो मेरा ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वही न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी आएगा, हमें यहाँ पे कुछ भी अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज में था कि अगर हमारे पास ओल्ड सीरीज की हेल्प से मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने कैलकुलेट कर लिया एंड हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ओल्ड सीरीज को डिवाइड किया है 2 से या मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इस केस में भी हमें न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के लिए पूरा फॉर्मूला ना अप्लाई करके डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन आया है उसको ही हम चाहे तो डिवाइड कर देंगे 2 से अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड किया गया है, या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से अगर हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो मेरे पास न्यू मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा, दैट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो होपफुली ये चारों प्रॉपर्टी आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आई होगी, इस पर इसलिए हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। और एंड इन सारी प्रॉपर्टीज़ में जब हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अब उम्मीद करते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बेसिकली हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम स्टैट्स के सारे चैप्टर्स डील करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। एंड अगर आपको आज का क्लास प्रॉपरली समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बट एमसीक्यूज के डिस्कशन के पहले हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जितनी भी क्लासेस हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे अपलोड की है वो सारी क्लासेस आप कवर कर लो, सो दैट आपको एमसीक्यूज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास प्रॉपरली देख ली मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, तो आपको एमसीक्यूज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्लियर? हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।